जोहार, आप देख रहे हैं आदिम जुमित। अभी हम लोग राजधानी रांची में हैं और राजभवन के समक्ष अभी आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के जो प्रमुख हैं वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। किस विषय पर बैठे हुए हैं? हमारे साथ हैं आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के ही सुकुमार सोरेन हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आज किस विषय पर यहाँ स्वशासन व्यवस्था के लोग बैठे हुए हैं, प्रमुख क्या कारण? आज जो बैठक हुई थी यहाँ रांची राजभवन रांची में राज्यपाल को अवगत कराने के लिए, ताकि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका के साथ साथ जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, झारखंड पंचायत राज अधिकार के तहत जो है 2001 के तहत जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव कहीं ना कहीं 100% आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में असंवैधानिक है। और ये असंवैधानिक कानून जबरदस्ती आदिवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है और आदिवासियों को जो खुद का व्यवस्था है वो व्यवस्था को तहस और नहस करने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी तरह से 10 साल में जो हमने देखा कि इसमें किसी प्रकार के आदिवासियों को कोई लाभ नहीं पहुँचा और उनके खुद का जो सामाजिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ है। और आज राज्य के अभिभावक होने के कारण राज्यपाल इनके हाथों में है, संविधान के ये मुख्य बागडोर संभाले हुए हैं। ये आदिवासी के अभिभावक होने का नाते अगर चाहते हैं तो पांचवी अनुसूची क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका के साथ साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जिससे आदिवासियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, सांस्कृतिक पारंपरिक और ऐसे बहुत सारे जो व्यवस्था को तहस नहस करने का है, ये कहीं ना कहीं राज्यपाल रोक सकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज आदिवासी यहाँ धरना प्रदर्शन पर है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। और खुशी की बात ये है कि पूरे 32 जनजाति के समुदाय के लोग आज यहाँ आए हैं, वो भी व्यवस्था के लोग। यहाँ कोई संगठन नहीं है, कोई भी मतलब कोई एनजीओ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यहाँ पूरी तरह साफ सुथरा कह सकते हैं तो पूरे सामाजिक व्यवस्था के लोग जो अगुवाई है पूरे, भले कम कहते हैं ना हमें लड़ने वाला, हमें भीड़ नहीं चाहिए, भिड़ने वाला चाहिए। आज वो दिख रहा है कि आज भिड़ने वाले लोग हैं। फिर इन भिड़ने वाले लोग में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगे जो नवयुवक साथी है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से छूट रहे हैं, उन नवयुवक साथियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए, इन सामाजिक आंदोलन में भी कूदना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का बागडोर कितना दिन इन बुजुर्गों के हाथों में, जो हमारे अगुवाई करता इनके हाथों में आप छोड़िएगा, उनके साथ साथ आप यहाँ आइएगा, सीखिएगा, तो आने वाले दिन में आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। और पंचायत चुनाव तो निश्चित है, मुझे लगता है कि राज्यपाल इसमें गौर करेंगे क्योंकि उनका पावर है, एग्जीक्यूटिंग पावर है। राज्यपाल का पूरा अधिकार बनता है पांचवी अनुसूची क्षेत्र में। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल अपना अधिकार उपयोग करते हुए, संविधानिक प्रावधान उपयोग करते हुए वे लागू नहीं होने देंगे। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाली है उसको रद्द करेंगे, निरस्त करेंगे। और आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो पंचायत क्षेत्र जहाँ नहीं चुनाव होगा आने वाला दिन में, उसको डेवलप करने के लिए ऑटोनोमस काउंसिल का भी गठन करेंगे। और वह कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के जो अगुवाई लोग हैं, आज जो संतावना दिए हैं, जो कहें कि आप लोगों के साथ एक हेल्दी डिस्कशन कह सकते हैं, वार्ता होगी, आप लोगों का जो भी मांग होगा उन पर गहर विचार बिंदु रखा जाएगा और उन पर पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। और जो है स्वायत्त शासन, आदिवासी का एक ही मांग है स्वायत्त शासन। जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, छठी अनुसूची के अनुरूप स्वायत्त शासन व्यवस्था जाए, जहाँ पर मानकी मुंडा जहाँ बहुलत है वहाँ मानकी मुंडा शासन करेंगे, जहाँ संथाल बहुलत है वो संथाल करेंगे, जहाँ बिरहोर खड़िया डोकलोसोहर पढ़ा राजा उराव है वहाँ उराव करेंगे। ये प्रावधान है, छठवीं अनुसूची के प्रावधान पांचवी अनुसूची में भी लागू किया जा सकता है राज्यपाल अगर चाहेंगे। उस प्रावधान को अगर लागू करते हैं तो आदिवासियों के जो रूढ़ी है, परंपरा है, संस्कृति है, धर्म है, ये बच जाएगा। क्यों बचेगा? उसका भी रीजन दिया हुआ है आर्टिकल में 244 में, साफ साफ दिया गया है कि आदिवासियों का सुशासन और कल्याण ये पूरी तरह पांचवी अनुसूची के अनुरूप है। और इसमें मैं तो कहूँगा कि पेशा एक जो बनाया गया था 96 में, ये भी
भी आदिवासी क्षेत्र के लिए भलाई नहीं है, क्योंकि इसमें पारंपरिक को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो पारंपरिक पावर है, जो रूढ़िगत पावर है, वो नहीं हो रहा। इसीलिए 243 के बगैर नहीं होना चाहिए, 244 होना चाहिए। साफ यहाँ पर जितने भी आदिवासी युवा साथी देख रहे हैं उसको अध्ययन करना चाहिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आज का जो मांग है वो 5वीं अनुसूची का अनुरूप हमें विकास करने का खाका के आधार पर मांग किया गया आदिवासी समुदाय का। बिल्कुल, आपने इन्होंने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि इसके साथ में मेल नहीं खा रहा है, जो पेशा कानून है वो भी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के साथ मेल नहीं हो रहा है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पंचायत चुनाव रद्द भी हो गया, अगर चुनाव नहीं होगा तो रोड है, रास्ता है, पानी है, या फिर यहाँ अनुसूचित क्षेत्र का जो विकास ये कैसे हो, किस तरह से होगा, क्योंकि चुनाव नहीं होगा, मुखिया नहीं बनेंगे, तो यहाँ क्या स्वशासन व्यवस्था के तहत यहाँ का विकास करना, डेवलपमेंट करना, स्वास्थ्य को, पानी पर, सब कुछ पर किस तरह से काम करेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा, ये सबसे ज़रूरत चीज़ है जो भारत से पहले भी चलते आया है, आदिवासियों को ये चीज़ करते आ रहा है, अभी भी करता है। वर्तमान में एक ग्राम सभा है हमारा, हर समुदाय का अपना एक ग्राम सभा होता है, हर गाँव जब भी बना है उसका एक गाँव को संचालित करने के लिए ग्राम सभा सर्वसम्मति से पूरे गाँव वाले लोग बने। आज भी सरकार पेशा के तहत जो प्रोविजन के तहत मान लीजिए त्रिस्तरीय चुनाव करवा रहा है, उसमें भी वो ग्राम सभा का ही जिक्र किया। ग्राम सभा के लोग प्लानिंग करेंगे, मतलब ग्राम को विकास करने के लिए खाका बनाएंगे, ग्राम सभा करेंगे, उसी के माध्यम से हो। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली हो गया। पांचवी अनुसूची के अनुरूप अगर करता वो डायरेक्टली होगा, और उसमें डायरेक्टली करने से फायदा क्या होगा, ये जो फंड का बंदरबाट होगा वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और जो 90% काम होना चाहिए आज 40% काम हो रहा है, 10% आप इधर उधर हो सकता है, लेकिन पूरे 90% में से अभी क्या हो रहा है, 60% बंदरबाट हो रहा है और 40% का काम हो रहा है। मतलब कह जाए से कि इसमें क्या है, घुसखोरी, दलाली या करप्शन इसको कह सकते हैं सबसे ज्यादा बड़ा। अगर आप पारंपरिक ग्राम सभा को इसको अगुवाई करते हैं तो उसके लिए मैं आपको ढांचा बनाता हूँ। जैसे भारत देश को चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप राष्ट्रपति मुख्य होते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल गठन होता है, चुनाव होता है जिसमें कार्यपालिका का विस्तार किया गया है, उसी तरह राज्य में भी एक राज्यपाल मुख्य होते हैं, इसके बाद वो जनरल एक्ट हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री बनते, उसका मंत्रिमंडल बनते, इस तरह विस्तार होता है। इसके बाद आदिवासियों के लिए विशेष एक प्रावधान किया गया है, प्रत्येक राज्य में अगर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो वहाँ एक TAC गठन होगा जो राज्यपाल के अनुरूप बनेगा, राज्यपाल के जो 20 सदस्य होंगे उनके अनुरूप बनेगा, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे इन्हीं जनजाति सदस्यों के माध्यम से इसका विस्तार होना चाहिए, क्योंकि TAC के बाद विस्तार नहीं किया गया है, TAC के साथ अब विस्तार करना चाहिए, कार्यपालिका का विस्तार होना चाहिए, जैसे ब्लॉक तक आपने किया, थाना तक आपने किया, अब उसमें क्या है कि आपने वर्किंग जो कार्य प्रणाली उसमें नहीं किया, उसमें माझी बाबाओं को आपको रखना होगा, राज्यपाल के पास TAC के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के बाद ब्लॉक ऑटोनोमस काउंसिल होना चाहिए, और ब्लॉक ऑटोनोमस काउंसिल के बाद विलेज ऑटोनोमस काउंसिल होना चाहिए, और जो भी विलेज ऑटोनोमस काउंसिल में पारित होता है सर्वसम्मति से एक विलेज से, उसमें अगर कार्य प्रणाली के लिए जैसे आपने पंचायत चुनाव में एक पंचायत सचिव रखा है प्रत्येक पंचायत में, तो आपको प्रत्येक गांव में एक विलेज सचिव रखना होगा, गांव के लिए एक सचिव रखना होगा जो कार्य का जो भी लेखा जोखा होगा, जो कागजी प्रक्रिया होगा, सरकारी गतिविधि होगा वो देखेंगे, बाकी योजना जो है ग्राम सभा जो विलेज काउंसिल है वो बनाएंगे। इस तरह से अगर आप जीरो से लेकर तब ऊपर तक आप काम कर सकते हैं, और पूरे ढांचा जो है ना अनकरप्टेड है। क्यों अनकरप्टेड है वो भी, क्योंकि वो जो पारंपरिक लोग आएंगे वो पैसा का बंदरबाट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे परंपरा को निभाए रखना है। अगर जो भी लोग परंपरा को तभी भटक जाते हैं, जो भी लोग पैसा खाते हैं या कुछ भी दो नंबर करेंगे तो अपने आप परंपरा से हट जाएंगे, तो इसीलिए पारंपरिक लोग कभी भी नहीं दोगलाबाजी करते हैं या घुसखोरी नहीं करते हैं, मुझे ये पूरा यकीन है, क्योंकि अगर दोगलाबाजी या घुसखोरी किए होते तो आज आदिवासी समुदाय नहीं रहता, और आदिवासी समुदाय के जो अगुवाई है, माझी है, परगना है, मनकी है, मुंडा है, ढोकलोसोर, पड़ा राजा है, ये सब खत्म हो जाता। आज वर्तमान जो ग्लोबल युग में हम देख रहे हैं, अगर सच में वो खाते या सच में घुसखोरी करते तो मुझे लगता है ये पूरा समाज जो है ना बर्बाद हो जाता। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है अगर विलेज ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से अगर पूरा आदिवासियों को कार्य प्रणाली का पावर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, और उसमें पांचवी अनुसूची में ये
साफ लिखा गया कि आदिवासियों का कल्याण और उन्नति का काम जो है राज्यपाल के अधीन बनता है और टीएससी के अधीन बनता है। उसके साथ साथ यहाँ पांचवी अनुसूची में जो त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं शांति और सुशासन की बात आता है। तो पांचवी अनुसूची भी वो भी लिखा है कि शांति और सुशासन और आदिवासियों का प्रशासन के बारे में सब सब लिखा है। तो ये व्यवस्था को राज्यपाल को लागू करना चाहिए और त्रिस्तरीय चुनाव को खत्म कर देना, इससे आदिवासियों का कल्याण हो सकता है, चाहे हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, संस्कृति में, सभी प्रकार में हो सकता है। मुझे ये पूरा विश्वास है। और अगर चाहेगा राज्यपाल तो आदिवासी बुद्धिजीवियों के साथ बैठ सकता है, आदिवासी के जो लोग हैं, पारंपरिक लोग हैं, उनके साथ बैठ के इस पर विचार कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत जो सवाल था कि उनके तहत जो विकास होना था वो हो पाएगा, इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र में जो विकास होना है, जो शासन प्रशासन है वो राज्यपाल के तहत चलाना है, तो इसीलिए शायद आज उसी के द्वार में, राज्यपाल के द्वार में स्वशासन व्यवस्था के लोग बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के द्वार में नहीं बैठे हैं, शायद यही कारण है, क्योंकि स्वशासन व्यवस्था का गार्जियन ही राज्यपाल। जी जी, इसमें और एक यही बात कहना चाहूँगा कि एक मौका, भारत स्वतंत्र होने के बाद आदिवासियों को आपने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आपने आदिवासी ने आपको मौका दिया है। अब आदिवासी को आप मौका दीजिए और देखिए अगले, अब 10 साल चुनाव किए ना, अगले 10 साल तक उसे आर्थिक पावर दीजिए। पंचायत में जो पैसा आप जाते हैं, प्रत्येक पंचायत में मुझे लगता है 70-80 लाख के आसपास जो जाता है, मिलता है, बजट पास होता है, वो पैसा अगर आप ग्राम में, एक गाँव में, मुझे लगता है झारखंड में तो पूरे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को और नॉन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, सभी को मिला के मुझे लगता है 32,632 आसपास गांव है। सभी गांव को आप बैंक अकाउंट खोल दीजिए, सभी गांव में एक ग्राम सेवक, जो ग्राम सचिव है, उसको नियुक्त कीजिए और देखिए काम करके देखिए। मुझे लगता है एक साल में पूरा गांव का कायाकल्प होगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है और आदिवासियों का भाषा, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रूढ़िवादी सभी चीज बराबर इक्वल में रहेगा और देश और दुनिया में आदिवासी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और देश और दुनिया में भी हर स्तर पर आदिवासी जो आगे आएंगे और उसका आपको देखने को मिलेगा। और जो मजा आएगा आने वाला दिन में, एक भारत पूरा दुनिया के लिए, पूरा विश्व के लिए भारत एक उदाहरण बनेगा कि भारत में ये माहौल, आदिवासियों को मौका दिया गया, आर्थिक सशक्तिकरण, जो आदिवासी आज सब चीज से आदिवासी अमीर है, सिवाय एक तो पढ़े लिखे से मूर्ख है और दूसरी बात है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। अगर आप आर्थिक और एजुकेशन अगर सही रूप से अगर देते हैं तो मुझे लगता है एक साल ही काफी है, 1 से 2 साल ही काफी है कि पूरा दुनिया में परचम लहराएगा भारत का और वो आदिवासी ही कर सकता है, क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए भारत का तो आदिवासी को ही इतिहास सबसे अधिक है और सबसे अधिक में नेतृत्व सबसे ज्यादा है आदिवासियों का। इसीलिए मैं कहूँगा इस मीडिया के माध्यम की सरकार अगर सुन रही है, समझ रही है, जान रही है, तो आदिवासियों को मौका दीजिए। 74 साल में आपने एक बार भी आदिवासियों को मौका नहीं दिया, अब आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को मौका दीजिए और देखिए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विषय पे आपको जरूर जानकारी भी मिलेगी और देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आदिवासियों का कहना है कि 1 से लेकर 12 तक संविधान में उनका जो अनुच्छेद है उन सबका अनुपालन हो रहा है, लेकिन संविधान का 5 और 6 का अनुपालन नहीं हो रहा है, इसीलिए आदिवासियों का कहना है कि 5 और 6 का अनुपालन करें। आदिवासी मांग कर रहे हैं कि उनका जो संवैधानिक हक अधिकार दिया गया है संविधान में, उनका अनुपालन करें सरकार, तो ही आदिवासी जो खुद से जो शासन प्रशासन का जो उनका अधिकार है उसे वो लोग आगे बढ़ पाएंगे।